एक बार क्या हुआ, एक एक पुरुष के पास एक महिला आई। सच्ची घटना है ये बिल्कुल। कल्याण नाम की पुस्तक आती है, आती थी ना गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण, उसका ये उसकी कथा। एक प्रेत, एक भूतनी, एक महिला बनकर एक पुरुष के पास आती थी और उस पुरुष को परेशान करती थी। वो कहती थी तुम यहीं बैठो, और वो ना बैठे तो बड़ा परेशान करे। अब वो पुरुष बड़ा परेशान हो गया और वो महिला प्रेत थी। प्रेत, कोई प्रेत बाधा रही होगी। कई बार आपके पूर्वज तरते नहीं हैं, प्रेत प्रेत बन जाते हैं, भूत भूत बन जाते हैं। आप लोग भी भूत ना बन जाना, इसके लिए कछा बथा सुनते रहना। नहीं, पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं चुड़ैलन इत्यादि बन जाती हैं। तो वो कोई चुड़ैलन थी, कोई भूतनी थी। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब आप कहते हैं महाराज जी भूत थोड़ी होता। अरे भाई, भूत नहीं होता तो तुलसीदास जी भूत का जिक्र क्यों करते? जिक्र है मतलब है। और आपको भूत वो देखना है तो मैं तुरंत दिखा सकता हूं आपको। यहां से पास में मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, चले जाइएगा, खूब भूत भूत वाले लोग आते हैं, झूम बराबर झूम शराबी वाले पूरे मिल जाएंगे आपको वहां। और बड़े प्रेत व्रेत सब आज भी हैं। आप देख लो, अपनी आंखों से देखो ना, किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी आंखों से देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि भूत प्रेत नहीं होते तो जिक्र भी नहीं होता। जिक्र है मतलब है। धुंधकारी भूत बना था ये लिखा है भागवत जी में। तो प्रेत योनी है तब तो धुंधकारी प्रेत बना। आपके पूर्वज भी, दादा परदादा नाना नानी, ये यदि पुण्य ना करें सब भूत बन जाते हैं। फिर इनके नाम से जब आप भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं तब कहीं भागवत जी से या पिंड दान से गया श्राद्ध से इनका उद्धार होता है। इनके नाम का कुछ पुण्य करते हैं तो उद्धार होता है। अभी भागवत जी की पोथी बैठेंगी 6 तारीख से दीपावली के बाद, 6 नवंबर, नवंबर ही आएगा ना इसके बाद, 6 नवंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। एक महिला भूतनी बनकर आई, भूत ही था वो महिला बन के आया और एक पुरुष को परेशान करने लग गया। वो बड़ा परेशान हुआ। अचानक क्या हुआ कि वो समोसा लेके आया समोसे की दुकान से, तो उसे घर में ही एक कागज मिल गया। तो उस कागज के ऊपर उसने समोसा रख दिया और वो कागज लेकर समोसा खा रहा था, तभी वो भूतनी आ गई। और भूतनी ने ज्यों वो कागज देखा भागी और कहती है सुन ये कागज फेंक दे जल्दी, नहीं खा जाऊंगी तुझे, कागज फेंक दे। उसने कहा कागज फेंक लिया हूं तो ये पास में नहीं आती, नहीं रोज तो मेरा गला दबाती थी, आज पास में। ये आगे बढ़ा कागज लेके तो भागने लग गई। ये ध्यान से देखा कि ये कागज क्या है भाई, ये कागज से क्यों डर रही है। ध्यान से देखा तो वो कागज कोई और नहीं, गीता का फटा हुआ पन्ना था जिसमें गीता के श्लोक लिखे हुए थे। इस श्लोकों की इतनी क्षमता है कि यदि आपके हाथ में गीता का एक मंत्र हो, गीता का एक श्लोक हो, तो भूत पिशाच की ताकत नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सकें। आपको पढ़ना ना आवे, लिखना ना आवे, कुछ ना आवे, लेकिन उस पन्ने का आपने उस श्लोक का हाथ में ही लेकर उसका आश्रय ले लिया तो ये उसकी महिमा है। उस गीता के श्लोकों में इतनी ताकत थी, वो भूतनी भाग गई। उसके बाद उसने अपने घर में गीता रखी और अपने जेब में गीता रखना शुरू किया। तब से उसे भूत प्रेत ने कभी परेशान नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का, ये गीता कौन है? गीता स्वयं भगवान की वाणी है। गीता कौन है? भगवान की वाणी। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा करो तो गीता बैग में रख के भेजा करो। गीता रहेगी उनके पास तो आपके बच्चे बाकी बाधाओं से सुरक्षित रहेंगे। क्या बुराई है? 5 रुपए की गीता आ जाएगी आपको, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता ले लो,
₹5 की मिलती है। सबसे सस्ते ग्रंथ मिलते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे सस्ती होती हैं। भारत का आदमी इतना कंजूस है कि वो ₹100 की शराब तो खरीद सकता है लेकिन ₹10 की गीता के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये विडंबना है हिंदुओं की। गीता कितने भारत में ऐसे कितने हिंदू हैं जिनके पास गीता नहीं है? कितने हिंदू ऐसे हैं जो रामायण नहीं रखते घर में, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, रखते नहीं है? रखा करो मेरी माँ, जब घर में ग्रंथ होते हैं तो हमारे जीवन के अज्ञान की ग्रंथियां इन्हीं ग्रंथों से खोलने लग जाती हैं। ग्रंथ जरूरी है। अभी 10 दिन बाद हम आपको सारे ग्रंथों का दर्शन कराएंगे। गौरी गोपाल ग्रंथालय बना रहे हैं जहां हमारे भारत के जो हमारे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब आपको गौरी गोपाल ग्रंथालय में देखने को मिल जाएंगे आज से 10 दिन के भीतर। जिनको पढ़ना होगा हम उन्हें पढ़ने के लिए भी देंगे 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए, फिर पढ़ के आप सुरक्षित वापस कर दीजिएगा। बहुत जल्दी गौरी गोपाल ग्रंथालय की शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रंथ आप पढ़ें। जब भी आप वृंदावन आएंगे तो आप साथ में गौरी गोपाल ग्रंथालय का दर्शन भी किया करेंगे। 10 दिन बाद ये दीपावली के बाद आपको दर्शन होगा सारे ग्रंथों का। ग्रंथों के दर्शन मात्र से कल्याण है। सारे पुराण उपनिषद इत्यादि जो है हिंदू धर्म में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं छूटेगा जो आपको गौरी गोपाल ग्रंथालय में ना मिल जाए। सब कुछ मिलेगा। चलो ना पढ़ सको तो देख ही लेना आंखों से, और पढ़ लो तो और अच्छा। श्री इंद्र नारायण कवच की दीक्षा लेते हैं और उन्होंने देवत्यों को पराजित कर दिया। तब स्वर्ग के राजा बन गए इंद्र। यज्ञ कराया, विश्वरूप की हत्या कर दी इंद्र ने। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी। पहली हत्या स्त्री को, दूसरी पृथ्वी को, तीसरी वृक्ष को, चौथी जल को। इसके बाद विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ इंद्र को मारो। खूब भीषण युद्ध हुआ और इंद्र ने अपने दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से इंद्र ने उद्धार कर दिया। वृत्तासुर ने मरने से पहले अहम हरि तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाभिर्हैयकांक्षे अजात पक्षायव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्सितरा क्षुधार्ता। क्या बढ़िया बात कहा वृत्तासुर। कहते हैं प्रभु मैं दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मुझे आप अपने भक्तों की भक्ति प्रदान कर दीजिए ताकि मैं आपके भक्तों की भक्ति करता रहूं। भक्तों के चरणों की रज बड़ी श्रेष्ठ है। एक बात बताएं भक्तों, भगवान तो भगवान है। एक काम करना, आप बिहारी जी के दर्शन ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, बिहारी जी का दर्शन करके जो आया है, जो आई है, जो अभी अभी बिहारी जी का दर्शन करके आए हैं भक्त, उनका दर्शन कर लेने से भी बिहारी जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है।